लेकिन बात जरा सरकार के एक और हुक्मनामे की करते हैं। और पूरे मुल्क के अंदर जहां प्लास्टिक पर बैन कर दिया गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल प्लास्टिक बैन का असर अभी तक भी नहीं दिख रहा है। पिछले 72 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन न तो जम्मू के अंदर मुतहरिक दिखी और ना ही कश्मीर के अंदर मुतहरिक दिखी है। यही वजह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो चंद हफ्ते पहले मुहिम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से छेड़ी गई थी, उसका कोई भी असर आज ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखा। कल भी हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए आपको बताया था कि किस तरीके से प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, और आज जब हमने दोबारा से अपनी कैमरा को घुमाया एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो पता लगा कुपवाड़ा, बारामूला, पुलवामा, शुपियां, श्रीनगर, इसी तरीके से जम्मू के मुख्तलिफ अजला की जब आप बात करते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से लेकर आसान इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक हर जगह पर आपको दस्तियाब था, और सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कहीं पर भी मुतहरिक यहां पर नजर नहीं आई। पूरे मुल्क के अंदर प्लास्टिक पर पाबंदी है, लेकिन न जाने क्यों जम्मू कश्मीर आते आते इस मुहिम ने कोई भी रंग अभी तक नहीं दिखाया। बहरहाल ये एक पहलू है, और भी कुछ पहलू है जी श्रीनगर को लेकर, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादरी साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं माजरा चाहता हूँ कि चंद लम्हात मैंने लेट लिया आपका, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जरा प्लास्टिक पे ही बात करते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर प्लास्टिक पर बैन, और चंद हफ्ते पहले हमने देखा था कि बड़े ताम झाम के साथ एक मुहिम छेड़ी गई थी कि प्लास्टिक मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है, प्लास्टिक से साफ जम्मू कश्मीर को बनाना है, लेकिन जब ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, आज न तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदार दिखे और ना ही हकूमत के वो आलाइकार दिखे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दीगर लोग जिनके जिम्मे ये काम था कि एनफोर्स करवाते उस कानून को जिसको लेकर मुल्क भर के अंदर मुहिम छेड़ी गई है। आज पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दीगर रियासतों के अंदर हजारों की तादाद में जो है छापामार कार्रवाइयां हुई हैं, जहां पर साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इसको हम चलने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर आते आते कमजोरी क्यों? जी इशफाक साहब ने आपने वजह फरमाया कि पूरे मुल्क में ये अभियान छेड़ा गया है कि प्लास्टिक को जो भी यूज करता है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पूरे शहर हमारा जुरिडिक्शन शहरी श्रीनगर है, हम रोज इस कार्रवाई करते हैं। हालांकि हमारे पास इसके लिए मैन पावर 8-10 बंदे रखे हैं जो पूरे शहर में मार्केटों में जाते हैं और जो भी प्लास्टिक बैग वगैरह देखते हैं किसी भी दुकानदार के पास, किसी भी वेंडर के पास, तो उसे वो जब्त करते हैं मौके पे। मगर आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कश्मीर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ पे ये बैग्स बनते हैं, ये बाहर से ही बैन होना चाहिए तभी कश्मीर ये आएगा ही नहीं। तो हम इसमें जो अभी हम सोच रहे हैं, हम इसमें भी टीमें खड़ा करेंगे, हम वार्ड लेवल पे ये अब अभियान छेड़ेंगे कि ये हम अपने जो वार्ड के ऑफिसर हैं उनको हर एक वार्ड में वो सुबह जाएंगे और दुकानदारों से जो भी प्लास्टिक है उसे जब्त करने की पूरी मुहिम छेड़ी जाएगी। और आपको पता ही है कि पिछले एक दो महीने में हमने कम से कम 2-3 क्विंटल मकदार में हमने प्लास्टिक भी जो बैग है वो जब्त किए हैं, जिनपे पूरी पाबंदी पहले से ही आई थी कश्मीर। आपको पता है ये ऑर्डर कई बार हुआ है, आज तक कई बार इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर इशारा किए गए, मगर ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एक पुलिस कंटिजेंट मांगी थी गवर्नमेंट से कि हमें एक पुलिस डिवीजन दिया जाए शहरी श्रीनगर में, हमें कोई भी चीज एनफोर्स करने में हमें पुलिस की एक सहायता होनी चाहिए, जो कि हमारे एक्ट में भी है, हमें एक पुलिस डिवीजन दिया जाए। हमने गवर्नमेंट से बार बार मुतालबा किया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो, चाहे वो मार्केट चेकिंग के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिथिन बैन करने के हवाले से हो, हमने गवर्नमेंट से एक पुलिस डिवीजन मांगा था जो अभी तक वहां पे जेर गौर है। अगर कुछ गवर्नमेंट इस बारे में पुलिस हमारी साथ आउन करेगी तो हम इस पर पूरा काबू पाएंगे। आपकी बात सही, अगर लखनपुर में बंद होता है, काजीगुंड में बंद होता है तो शायद शहर के अंदर ना आए, लेकिन जो हमें शिद्दत दिखनी चाहिए थी, जिस शिद्दत के साथ फोटो सेशन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चंद हफ्ते पहले किया और सबको ये बताया था कि कुछ नहीं दिन अब चलने देंगे, वो शिद्दत आज के दिन में नहीं है। क्या मैं ये समझू कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इतनी सियासत की शिकार हो गई है कि मरकजी कानून के इतलाक में भी जगाना पड़ रहा है कॉरपोरेशन को कि भाई आप जागिए और इसका इंप्लीमेंट कीजिए?
जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इशफाक साहब, हमने भेड़ी थी। अब हम मैंने कहा आपको, आप हम ये वार्ड लेवल पे शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो हमने जो सेंट्रल ऑफिस में हमारी एनक्रोचमेंट टीम है, हमने उनको निकाला था कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, मार्केट चेकिंग कीजिए इस पे। अब हम ये वार्ड लेवल पे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह दिखेगा, अगले कुछ चंद दिनों में आपको दिखेगा कि हम इस पे पूरी कार्रवाई। अच्छा जी, बड़ी दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जी, एक तो ये प्लास्टिक वाला, दूसरा ईद उल अजहा की आमद है, और ईद उल अजहा की आमद के साथ ही शहर श्रीनगर के अंदर सफाई सुथराई का एक बड़ा प्रोग्राम चलता है, लेकिन फिर पोस्ता है कुर्बानी हम सड़कों पर देखते हैं। इस बार इस तरीके का ना हो, क्या कोई कबल अज वक्त प्रोग्राम हाथ में लिया गया है? क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी चीजें देखी थी, कोविड के बावजूद भी वो सारी चीजें चल रही थी, तो इस बार वो चीजें ना हो, क्या कुछ करने की तजवीज और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा? जी इस पे हम इंशाल्लाह बुधवार को एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम शहरी श्रीनगर में लोगों के लिए एक फैसिलिटी रखेंगे, जो हमारी हूपर सर्विस लोगों के घर घर जाके अभी वहां से कचरा उठाती है, तो उन हूपर सर्विस को ईद उल अजहा के मौके पे उन घरों में जो भी कुर्बानी करेंगे उनमें फैसिलिटेट करेंगे कि उनको एक ही जगह पे उनको जमा करके हम वहां से लिफ्ट करेंगे। ऐसा हमारा प्रोग्राम है, इस पे हम इंशाल्लाह बुधवार को मीटिंग करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। आपको पता है कि जो भी गलाजत ईद के दिनों में सड़कों पे होती है, कि अभी मौसम भी तेज है, अभी गर्मी का मौसम है, तो शहर में बीमारी फैलने का खतरा भी है। इन चीजों से हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप देखिए कि हमारी पूरी टीम इसमें खड़ी है, जो हमारे सफाई कर्मचारी वो इसका खास ख्याल रखेंगे, और हम अपनी जो एक सेल होगी हमारी, जिन पे भी किसी लोगों को शिकायत होगी कि हमारे घर से ये चीजें लिफ्ट नहीं हुई है, वो चीजें लिफ्ट नहीं हुई, इंशाल्लाह हम उसके एक अपना जो सेटअप करेंगे, एक कंट्रोल रूम भी, वहां पे लोग अपनी अच्छा जी, शिकायत कंट्रोल रूम दर्ज की कर बात करिए, सकते हैं मतलब जल्दी से ताकि। दो चीजें जानना चाहूंगा। कंट्रोल रूम की जब बात चल रही थी तो पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेस करने के लिए भी कई बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि देखिए अब हम करप्शन फ्री सिस्टम को चला रहे हैं, इसलिए ऑन द क्लिक ऑफ द बटन जब आप हमें कॉल करेंगे हम आपके सामने हाजिर रहेंगे और मुश्किल का हल करेंगे। बोर्ड अच्छा था, नारा अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी है वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। जी आप हमसे डाटा ले सकते हैं कि हम कितनी ग्रीवेंस दिन में रिड्रेस करते हैं, कितने लोग हमें फोन करते हैं, और कितनी ग्रीवेंस हम हल कर पाते हैं दिन भर। अब ऐसा नहीं है कि किसी को फोन नहीं लगा है, किसी को कुछ नहीं लगा है, कहीं पे लाइन बिजी होगी, ऐसी कोई हमें भी शिकायतें मौसूल होती है। इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को अपडेट करेंगे, और हम ये चाहेंगे और एक दो नंबर जो उसमें है उसमें ऐड करके, ताकि लोगों को सहूलियत मिल परवेज कादरी सके। साहब, जल्दी से ये बताइएगा, क्या कॉरपोरेशन मालियाती खसारे की ओर है, फाइनेंशियल क्रंच है? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, फंड्स तो हमारे पास बहुत है। अभी जो ताखिर हो रही है वो हमारे अफसरों द्वारा हो रही है, हमने तो अपने प्लान्स भेजे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, वहां से आने में थोड़ी कोताही बरतते हैं वो लोग। तो बाकी हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं है कि हम नहीं कह सकते अभी कि हमारे पास तो अफसरों फंड्स पर नहीं है, ग्रिप शहर कौन में जा करेगा? रहा हूँ जब कि नहीं हो परवेज रही। कादरी साहब, आप जैसे शख्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, बाबाई शहर के बाद दूसरे नंबर पर आप हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब अफसरों पर गिरफ्त नहीं हो पा रही है, तो आम लोग तो फिर सही बता रहे हैं ना कि कुछ और निजाम चल रहा है जिसको किसी को पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको वाजिया कर दूं कि अक्टूबर 2020 में एक अमेंडमेंट आई थी, जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था इन्होंने, तो कहीं तरमीमें हुई हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में। अभी तो पहले जो हमारी प्लानिंग जो थी वो फाइनेंस कमेटी कर रही थी, शहर की डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी मसले हो या जो भी फंड्स रिलीज करने हो वो हमारी जो कमेटी थी फाइनेंशियल प्लानिंग वो डिसाइड करती थी। अब उस एक्ट में 2005 2020 को एक अमेंडमेंट आई है, जिसमें हमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को तश्कील देना पड़ा, तो उसमें हमने भी अपने जो नुमाइंदे हैं उसमें चुन के आए हैं, वो वहां पे हमने वोट किए हैं उनको। अब ये उनका मैंडेट है कि वो शहर की जो प्लानिंग है उस पे एक प्लान मुरतब करे और काउंसिल में उसको कंकरेंस मिले। अभी उनसे थोड़ी बहुत ताखीर हुई है उसके, हालांकि चेयरमैन हमारे मेयर साहब है और हमारे एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी यहाँ के कमिश्नर अतर साहब है, तो वो थोड़ी बहुत ताखीर कर रहे हैं इसमें। हमने परसों भी
अपने जो जनरल काउंसिल के सेशन में उस पर सवाल निशान उठाए उस कमेटी पे कि इन्होंने जो इनको मैंडेट दिया गया है ये प्रॉपर तरीके से वहां पे काम नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेयर साहब ने आश्वासन दिया है उसमें कि अगले कुछ दिनों में हम सेशन एक और बुलाएंगे जिसमें उन सारे कामों को हाउस की कॉन्फ्रेंस मिलेगी और वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल